पठान टीजर क्रिएट ए हिस्टोरी। यस, पठान की टीजर ने हिस्टोरी क्रिएट कर दिया, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पठान की टीजर बन चुके हैं बॉलीवुड की मोस्ट लाइक टीजर, वो भी 21 घंटे के अंदर। मतलब 21 घंटे के अंदर पठान की टीजर को 1.1 मिलियन लाइक मिला है यूट्यूब में। यस, लेकिन और एक चीज़ आपको बता दूं, ये शायद मेरी लास्ट वीडियो हो सकता है 11 दिसंबर से पहले। यस, मेरी एग्जाम है, इसीलिए 11 दिसंबर से पहले मैं कोई भी वीडियो आप नहीं बना सकता हूँ। तो चलिए आप बात करते हैं मेन बात पर। पठान की टीजर तो लाइक के मामले में रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहे हैं टीजर, और सच में टीजर बवाल ही है। लेकिन व्यूज़ के मामले में पठान की टीज़र को यूट्यूब में उतना व्यूज़ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। लेकिन वेट कीजिए, टीज़र जो है पठान की वो सारे सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया गया है। मतलब इससे पहले जो आदि पुरुष है, KGF है और सारे टीज़र आया था, उन सारे टीज़रों को स्टेप बाई स्टेप यूट्यूब में एक ही लैंग्वेज में या फिर कहें एक ही यूट्यूब की चैनल पर अपलोड किया गया था। लेकिन पठान की टीज़र के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन पठान की तीन टीज़र आया है, इसके लिए व्यूज़ भी डिवाइडेड हो चुके हैं। साथ ही साथ पठान की टीज़र जो है यूट्यूब में अवेलेबल है, फेसबुक में अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पे तो किंग खान की अकाउंट पर तो व्यूज़ की मानो बाढ़ आ चुके हैं। और अगर मैं ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सारे व्यूज़ को काउंट करूँ तो 50 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही पठान की टीज़र को 30 मिलियन व्यूज़ मिला है और लाइक मिला है 2.4 मिलियन, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को टीज़र कितने पसंद आया? साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय 11 दिसंबर तक। उसके बाद फुल स्वैग में पठान की प्रमोशन के लिए हाजिर हो जाएंगे।